मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी अकोमोडेशन पे, क्योंकि अकोमोडेशन का बहुत ही मसला बना हुआ है। मतलब पाँच छः बच्चे तो ऐसे हैं, पाँच छः से ज़्यादा, मतलब सात आठ ऐसे हैं जो भी जिन बेचारों को मैंने जिनके लिए मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस उनको अकोमोडेशन मिल जाए, क्योंकि अकोमोडेशन का आजकल बहुत ही ज़्यादा मसला हुआ है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ है। बच्चों को अकोमोडेशन नहीं मिल रही वट सोएवर सिटीज, मेन्सब्रुक में नहीं मिल रही, लेंस में नहीं मिल रही, बहुत मसला है। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि अप्लीकेशन चूँकि बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पता चलना शुरू हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत आना शुरू हो गए हैं ऑस्ट्रिया में, जिसकी वजह से हॉस्टल्स ने कुछ अपनी मामला सीधे करना शुरू कर दिए हैं। कुछ वो स्टूडेंट ड्रीम होम जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आ गए जिन्होंने अकोमोडेशन के लिए हॉस्टल्स को बाउंड कर लिया कि जी 250 हम चार्ज करेंगे, कुछ थोड़े से आपको देंगे, आधे हमारे आधे तुम्हारे या जो भी व्हाट्सएवर की शेयर है, तो हम इस तरह करके आप हमारे थ्रू सिर्फ देंगे। तो वो अपनी एक मोनोपोली स्टार्ट है, तो ये सब कुछ मामला आता है। अब इसके चक्कर में आजकल जो मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं आप, कैसे अच्छी सी आपको अकोमोडेशन अगर चाहिए तो उसका आप क्या करें अगर कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं एक दो वो मेरे हैं इन टच, वो बच्चे अप्लाई कर चुके हुए हैं विद द Airbnb बुकिंग और booking.com की बुकिंग से, ठीक है। उन्होंने अप्लाई किया उसमें, मतलब उनको अकोमोडेशन नहीं मिली, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उनके पास अकोमोडेशन की बातचीत चल रही थी, ईमेल थी उनके पास हॉस्टल्स की और डॉम्स की, जहाँ पे उन्होंने वो इन टच थे, उनको कहा हुआ था कि यार वी विल गिव यू इन जनवरी फरवरी वट्स एवर विल गिव यू अर रूम, बट अभी हम नहीं दे सकते या वट्स एवर, इस जैसी उनके पास ईमेल थी। तो उन्होंने मतलब उनको रूम स्टार्ट चाहिए था शायद जनवरी से, उनको वीज़ा चाहिए था समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने Airbnb की बुकिंग या booking.com की भी, एक दो लड़कों ने Airbnb की या booking.com की बुकिंग से उन्होंने RP अपना फाइल कर दिया है, RP फाइल हो गया, एक दो का तो इन द वे ऑफ अप्रूवल भी है। तो उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट कुछ और मांगे हैं, अकोमोडेशन का अभी तक कन्फर्म नहीं मांगा कुछ भी, तो वी विल कंसिडर कि वो ऑन द सेफ पोजिशन। तो लेट्स सी जैसे होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, लेकिन ये है कि उन्होंने Airbnb और booking.com से अपना RP फाइल कर दिया है। इसके लिए शर्त वही मैं बता रहा हूँ कि उनके पास इन टच वो ईमेल थी किसी डॉम की कि जी हम आपको डॉम दे देंगे, लेकिन अभी नहीं दे सकते, नेक्स्ट सेमेस्टर में देंगे या व्हाट्सएप पर। तो उस टाइम की उनके पास Airbnb की बुकिंग थी जिस पर उन्होंने RP फाइल कर दिया। अच्छा, अब अगर अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो क्या किया जाए? सर, आजकल अगर अकोमोडेशन नहीं मिल रही, सबसे पहले तुम आपको पता है मैं यही कहता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी वालों से पूछो, अगर यूनिवर्सिटी से पूछो अगर उनके पास डॉम्स है, अगर उनके पास डॉम्स नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन गूगल पे सर्च कर मारो, जितने भी डॉम्स हैं सब में अप्लाई करो। वही बात है, फीस कुछ की है, कुछ का कुछ 35 और प्रोसेसिंग फीस लेते हैं कुछ समथिंग लाइक दिस। यार रिस्क लेना पड़ता है यार, इतना सब कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, तो ये सारा चक्कर है। अच्छा, अब उसके बाद ये सारे मामलात आप इस तरह हल कर लेते हैं, और उसके बाद अगर ये भी डॉम नहीं मिलता तो फिर उसके बाद तीसरा चक्कर ये है कि यार मैं आजकल जो सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ग्रुप्स में पोस्ट कर लें, जहाँ पे जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो कुछ भी हैं, तो लड़के क्लम्प हो जाएं। आगे चूँकि अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो सिंगल सिंगल डबल डबल होके आप लोग अपार्टमेंट्स ले लें, अपार्टमेंट ले के तो यही सबसे बेहतर ऑप्शन। थोड़ा सा महंगा पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन समटाइम सस्ता भी पड़ जाता है, थोड़ा सा ऊपर होता है मेरे हिसाब से, रेट कम होता है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है आपको हीटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब कुछ देना पड़ता है अलग से, अगर वो उसमें इंक्लूड नहीं है, डिपेंड करता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर वो उसमें इंक्लूड नहीं है तो आपको देना पड़ता है। कुछ लोगों को अच्छे भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, पैसे कम थे, बल्कि डॉम से सस्ते पड़े हैं कुछ लोगों को। तो मैं आजकल रिकमेंड कर रहा हूँ जो कुछ भी लोग मेरे साथ इन टच हैं, मैं उनको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार आप ग्रुप्स में पोस्ट करो, लोगों को अप्रोच करो जो आपको लगता है लिंक्स जा रहे हैं कुछ आगे, ग्रुप्स में जो बात कर रहे हैं आगे पीछे उनसे बात करो कि भाई अकोमोडेशन या चाहिए या समथिंग लाइक दिस। तो दो दो तीन तीन ओके एक एक अपार्टमेंट ले लो और उधर जाके आराम से सेटल होके अपना काम कर लो, यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और उसके लिए वेबसाइट विल हाबन पे से चेक कर लो, इमोवेल्ट है और बहुत सारी हैं वेबसाइट्स, आप मेरे से पूछ लोगे मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे आप अपार्टमेंट चेक कर लें, लोगों के साथ डायरेक्ट इन टच हो जाएं, वो आपको बता देंगे, फिर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो बच्चों को हेल्प कर देते हैं लोगों से डायरेक्टली बात करके, उनसे बात करके कि जी हमें अपार्टमेंट चाहिए या जो कुछ भी है, सबके दोस्त यार होते हैं यहाँ पे, तो उनसे कुछ रब्ता करके तो वो फिर अपना मामला जो है इजीली मेंशन कर लेते हैं। तो यही आजकल तरीका चल रहा है, यही सबसे आसान तरीका है कि आप किस तरह अकोमोडेशन ले सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इजी थिंग। अगर आप इस तरह अरेंजमेंट कर लें तो आई थिंक आसानी हो जाएगी आप सबके लिए, मिल मिला के अगर आप कर लें दो दो तीन दिन तो आसानी है। दो तीन लोगों के लिए ट्राई किया, अभी हो गया उनका मामला, बहुत अच्छे से सेटल हो गया, क्लम्प करके अकोमोडेशन उनको मिल गई हैं और अपार्टमेंट, बल्कि बेहतर अपार्टमेंट मिल गए हैं, थोड़े सस्ते भी
प्लस माइनस है, लेकिन ये है कि उनका काम चल गया एंड देयर हैप्पी। तो अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो यही सजेशन है कि दो दो तीन तीन लोगों को इकट्ठे जोड़ें, ग्रुप्स में सर्च करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप है उधर सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, जहाँ पे भी व्हाट्स एवर यू फील कि आपको लगता है कि जहाँ पे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को अप्रोच करें, उनसे पूछें। ग्रुप में वैसे भी लोग काफ़ी आजकल पोस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ इन टच होकर आप अपने लिए एक अपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। और अपार्टमेंट की बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या कुछ, वो आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली इंशाल्लाह बता दूंगा। लेकिन ऐसे सच कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं होती, अब ढूंढें आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, बिलाबन में मैंने बताया जैसे वहाँ पर मिल जाता है, डायरेक्ट उस लेडी से बात करें, वो सब कुछ कोई दोस्त यार है उसको बेशक भेज दें देखने के लिए समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह मामला चल जाते होते हैं। अब ये वो लेजिट है कि नहीं ये मसला कि उसमें फिर यही है कि कोई आपकी तरफ से जाके उसको देख ले या व्हाट्सएप आप उससे फ़ोन पे डायरेक्टली बात कर लें कुछ इस तरह करके आपके शक शुबात दूर हो सकते हैं और आप अपने मामलात को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू नॉर्मली डू इट। तो बाकी को मेरी गाइडेंस चाहिए हो तो यू नो आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।